नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आप खबरें अन्य राज्यों से। खैर, विधानसभा में उपचुनाव के मद्देनजर योगी सरकार के मंत्रियों का दौरा लगातार जारी है। इसी क्रम में आज प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने अलीगढ़ के कस्बा खैर में आयोजित अमृतकाल में सहभागिता कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन अग्रवाल सेवा सदन में किया गया, जहां मंत्री ने जनता को सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में जानकारी दी और इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान भी किया। इस दौरान असीम अरुण ने भाजपा की आगामी उपचुनाव में जीत के दावे भी किए और कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पूरी तरह से पहुंचाया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार अपने वादों को पूरा करने और योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वहीं उपचुनाव के माहौल में ये दौरे बीजेपी की मजबूती को और बढ़ाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने भी सरकार की योजनाओं पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और चुनावी माहौल में भाजपा की सक्रियता को सराहा है। मंत्री ने यह भी बताया कि आने वाले समय में सरकार और भी योजनाएं लाने की दिशा में काम कर रही है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिल सकेगा। अलीगढ़ से भुवनेश शर्मा की रिपोर्ट। आज खैर में अमृतकाल में कैसे सहभागिता हो, हर परिवार की, हर बेटी की उड़ान, हर बेटे की उड़ान को कैसे सच किया जाए, इसके लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कुछ चर्चाएं हुई और कई सारे कैंप लगाए गए हैं, जिसमें हमारे बैंक के साथी भी आए हैं, अनुसूचित जाति वित्त विकास के निगम के भी लोग आए हैं, अन्य संस्थाओं के लोग आए हैं, जो शिक्षा, हुनर और स्वावलंबन के लिए काम कर रहे हैं। मुझे आशा है आज जो बच्चों को चिन्हित किया गया है, इनके साथ में अब हम लोग छोटे छोटे कैंप लगाएंगे 25-30 बच्चों के साथ, उनको आगे के लिए राह दिखाएंगे। कोशिश ये है कि हर युवा, हर परिवार अपनी आय को चार गुना बढ़ाए